मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर आखिर होने क्या वाला है? क्या इस बार हाथ के हाथ से निकल जाएगा छिंदवाड़ा? नकुलनाथ के बयान के क्या मायने निकाल रही है बीजेपी? और आखिर क्यों नकुलनाथ को नहीं मिल पाए हैं अब तक स्ट्रॉन्ग रूम के फुटेज? जी हां, खबर आई है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीन पीजी कॉलेज के स्ट्रॉन्ग रूम में कैद कर दी गई है। वहीं स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने एक बड़ा सवाल उठा डाला है और इसी को लेकर अब बीजेपी नकुलनाथ को घेरने लगी है। दरअसल अपने दो दिनों के दौरे पर नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फीडबैक भी लिया। सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज पहुंचकर स्ट्रॉन्ग रूम जहां पर ईवीएम रखी गई है उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया ईवीएम की सुरक्षा पर और उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरीके से बिजली गिरी थी इसकी वजह से यहाँ जो घटना हुई उसकी वजह से यहाँ सीसीटीवी कैमरे जो निगरानी के लिए लगाए गए थे उनमें गड़बड़ी हुई थी और वो कैमरे बंद हो गए थे। इसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा के कलेक्टर जो हैं शीलेंद्र सिंह इनको एक पत्र लिखा था और इस पत्र में इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रूम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो वर्किंग कंडीशन में उनके फुटेज उन्हें उपलब्ध कराए जाए। नकुलनाथ की तरफ से ये कहा गया है कि कलेक्टर की तरफ से जो मांग की गई कलेक्टर से उन्होंने जो मांग की थी वो आज तक उनकी पूरी नहीं हुई है और कलेक्टर ने आज तक उन्हें कोई भी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया है। इसको लेकर अब वे चुनाव आयोग से पूरे मामले की शिकायत की बात कहते हुए नजर भी आए। स्ट्रॉन्ग रूम गए थे हमारे सांसद नकुलनाथ जी के साथ और वहाँ पर हमने पूरा निरीक्षण किए। विगत दिवस बिजली कड़कने के कारण सीसीटीवी बंद हो गया था, खराब हो गया था और हमने उसकी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि बिजली गिरने के कारण कब, हमने उनसे कहा कि हमें आप सीसीटीवी फुटेज के सीसीटीवी की दीजिए, हमें फुटेज चाहिए ताकि हम डीएम से निरीक्षण कर सकें। उधर नकुलनाथ की तरफ से स्ट्रॉन्ग रूम के फुटेज के मामले में जो शिकायत की बात कही गई है, जो शिकायत की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस में हार की बौखलाहट अभी से नजर आने लगी है। छिंदवाड़ा बड़ी हॉट सीट है और इस छिंदवाड़ा की सीट पर बीजेपी फतह करने जा रही है, बीजेपी जीतने जा रही है। छिंदवाड़ा में मतदान हुए काफी वक्त हो गया है और अब नकुलनाथ जो हैं वो बहानेबाजी करने लगे हैं क्योंकि नतीजे जो हैं बहुत करीब हैं, आने को हैं। ये हार की बौखलाहट दिखाती है। जब नेता चुनाव हारने लगते हैं तो बहाने ढूंढने लगते हैं। जब एक महीने से ज़्यादा मतदान हुए हो गया है छिंदवाड़ा में, अब नकुलनाथ इस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं, स्पष्ट दिखा रहा है नकुलनाथ जी का झूठ का ढोल फूट चुका है और नकुलनाथ छिंदवाड़ा में लंबे अंतर से हार रहे हैं। उम्मीदवार के तौर पर उन्हें कोई आपत्ति है तो निर्वाचन आयोग को दें, निर्वाचन आयोग उनकी आपत्तियों का निराकरण करेगी। वैसे आपको ये बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस को संजीवनी दे गई थी, या कहें कि ऐसी सीट थी जिसमें मध्य प्रदेश के 29 में से एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो पाया था। बाकी 28 सीट जो हैं 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया था। अब जब चुनावी नतीजों का वक्त बेहद करीब आता जा रहा है तो ऐसे में कुछ प्रत्याशियों को ईवीएम की सुरक्षा की चिंता सता रही है तो वहीं कुछ दल इसे हार के पहले की हताशा बताने में लगे हुए हैं।